फ्रॉम दिस टू दिस. बट ये सब की शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं. बट ये सब तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट पहले ये ट्राइपॉड यहाँ कैसे आया, इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं. जो मैंने आपको भी ट्राइपॉड दिखाया, एक्चुअली अभी मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. उस ट्राइपॉड का नाम है सिंप्लेक्स और मैं आपको मॉडल नंबर यहाँ पर आ रहा होगा. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. वो आपको 1600 तक का ऑनलाइन मिल जाएगा, बट अगर आप ऑफलाइन पता करने जाओ तो आपको इससे भी कम प्राइस में मिल सकता है. तो रूम की लाइट एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पर्दा बंद करना होगा ऐसे. तो क्या हमें एक मेन लाइट का सोर्स भी चाहिए? बिल्कुल नहीं. तो मेन रूम की लाइट बंद करने के बाद सब्जेक्ट कुछ इतना डार्क हो जाता है. तो अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको वीडियो में सबसे पहले एक बैक लाइट की ज़रूरत है. मेरे पास एक बैक लाइट के लिए एक मिनी लैम्प है. एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ऐसे भी कोई भी एक लाइट ले सकते हैं, ब्रिक लाइट, जैसे मैंने ये ब्रिक लाइट लिया. और हाँ, जो मैंने आपको ये ब्रिक लाइट दिखाई जिससे ये ब्लू ब्लू सा इफेक्ट आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं, ये आपको अराउंड 200-300 अमेजोन पर मिल जाएगी. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और हाँ, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 240-250 तक का मिल जाएगा. तो फ्रेंड, आपको कैसा लग रहा है? एक तो इसकी मौज हो रही है, मजा आ रहा है. और हाँ, हमने कुछ चीजें ऑनलाइन में मंगवाई थी, जैसे कि ये रिंग लाइट. इसकी डायरेक्ट लाइट अभी मेरे फेस पर आ रही है, तो ये एक मेन लाइट की तरह काम कर रहा है, जो मेरे को बैकग्राउंड सेपरेशन में हेल्प कर रहा है. तो ये है वो रिंग लाइट. और फिट मैं आपको दिखाता हूँ इसके कलर चेंज करके. तो अभी मैं इसके मोड चेंज कर सकता हूँ RGB में. ये देखिए, अभी हो गया है ये. एंड दिस वाइट में, और ये वार्म लाइट. और इससे आप, इस बटन से आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं. लाइक अभी लाइट आप घटते हुए देख रहे होंगे, और इसको और घटा सकते हैं हम. ये आपको अराउंड 700-800 मिल जाएगा विदाउट ट्राइपॉड. टोटल आपका ये जितनी भी लाइट आ जाएगी 100,000 का आ जाएगी. हाँ, जो मेरे मॉनिटर के पीछे जो पिंक लाइट आ रही है वो 60-60 की टू एक RGB लाइट आपको लोकल मार्केट लोकल शॉप में मिल जाएगी. मैं ये लोकल लाया था, तो आई थिंक आपको उससे भी कम मिल जाएगा. तो मैंने ट्राइपॉड क्यों बाय किया, बेसिक रीज़न ये था कि एक तो मैं टॉकिंग हेड वीडियोज बनाने के लिए, अगर मैं स्टोरी टेलिंग में कुछ आपको बताना चाहता हूँ तो उसके लिए एक ट्राइपॉड ऐसा कैमरा प्लेस करके. पहले तो मैं एक टेबल का यूज़ करता था, बट हाँ, थोड़ा अजीब था. अभी मैं एक ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ, और हाँ, फर्दर वीडियो में काम आ सकता है. तो हाँ, ये एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों ना इसको परचेज किया जाए. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू एंड रुक साइनिंग आउट. मैं कैसा आ रहा हूँ? मैं ठीक आ रहा हूँ. आप भी आइए.